अलहमदिल्लाबीन वसलात वसलाम रसूलमीन वाली वबी अजमा व मंतब अहम बेहसान इलाम्दीन अम्माबाद तो हमें जो है ईमान के बारे में पढ़ते हैं ईमान कितने चीज़ों पर लाना है छः चीज़ों पर लाना है नंबर एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाना भरोसा नहीं ईमान लाना नंबर दो फ़रिश्तों के ऊपर ईमान लाना नंबर तीन किताबों के ऊपर ईमान लाना नंबर चार कयामत के दिन पर ईमान लाना नंबर पांच तकदीर के ऊपर ईमान लाना नंबर रसूलों के ऊपर ईमान लाना ये छः इसमें हमें तीन के बारे में मालूम करे अल्लाह के ऊपर कैसा ईमान लाना वो मालूम करे नंबर दो फरिश्तों के ऊपर कैसा ईमान लाना वो मालूम करे नंबर तीन किताबों के ऊपर कैसा ईमान लाना वो मालूम करें अब हमें शुरू करते हैं कि रसूलों के ऊपर कैसा ईमान लाना अब रसूलों के ऊपर कैसा ईमान लाना इसमें जाने से पहले हमें ये मालूम करेंगे कि रसूल किसको कहते हैं रसूल किसको बोलते रसूल किसको बोलते तो बोलते हैं मन हम रसूल हम कौम उन अख्तार हमल्ला रसूल माने ऐसे लोगा ऐसे लोगा जिनको अल्लाह तबारक व ताली चुन लेता जिनको अल्लाह अल्ण। तबारक व ताली चुन लेता यानी उनो भी हमारी तरह इंसान ही रसूल कौन हमारी तरह उनो भी इंसान ही हमारी तरह ही पैदा हुए बड़े हुए लेकिन मट्टी से इंसान माँ बाप जैसा पैदा हुए हमें माँ बाप से वैसा उनो भी पैदा हुए ठीक है भी अलग मखलूक़ नहीं उनों क्या भी अलग मखलूक़ नहीं हाँ, इससे पहले हमें मालूम करे थे फरिश्ते किससे पैदा हुए नूर से, नूर से पैदा हुए फरिश्ते नूर, नूर से, से, से पैदा हुए लेकिन रसूल मिट्टी ही से यानी हमारी तरह ही पैदा हुए वो वो नूर नहीं है ठीक है लेकिन बरेलवी है देखो तो वो लोगों के पास अकीदा क्या है हमारे नबी जो है नूर है उन्हों क्या बोलते हमारे नबी नूर है जैसे फरिश्ते नूर है ना वैसा क्या बोलते कि अल्लाह के नबी भी नूर।, नूर है तो बोलने का मकसद क्या कि रसूल हमारी तरह वो भी इंसान है वो नूर से नहीं भी 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 भी। पैदा नहीं हुए जैसे फरिश्ते पैदा हुए वैसा नूर से पैदा नहीं हुए ठीक है अलबत् उनमें हम में फ़र्क क्या है अल्लाह ताला हमको रसूल बना के नहीं भेजा और उनको अल्लाह रसूल बना के भेजा बस इतना ही फ़र्क है हम भी इंसान हैं वो भी इंसान है अल्लाह ताला उनको रसूल बना दिया चुन लिया हमको नहीं चुना बात समझ में फ़र्क यही है अच्छा कई कुछ चुन लिया अल्लाह तबारक वाली उनको लियूनू वासता बई न बई न खलकी ताकि अल्लाह और उसके दरमियान में उनो वासिता है मतलब क्या दरमियान में अल्लाह ताला की बातों को हमारी तक पहुंचाने वाले वास्ता माने क्या हमारे तक पहुंचाने, पहुंचाने, पहुंचाने वाले अब अल्लाह ताला क्या करते जो भी अहकाम नाजिल करना यानी कैसा रहना कैसा नमाज पढ़ना कैसा रोजा रखना ये सब बातें क्या करते अल्लाह ताला रसूल को बताते यानी फरिश्ते फरिश्ते लाखों कौन जिब्रैल असलाम किसे बोलते रसूल को बोलते रसूल लागो, हम सुना सुनाते कि ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है अब नहीं जब भी रसूल आते ठीक है जब भी रसूल आते ये क्या बोले नबी रसूल एक ही नबी रसूल, रसूल, रसूल दोनों एक ही माना वजालिका बी इबलाम शराहू वमा यजिब अलहिम क्या करते रसूल अल्लाह तबारक वाली जो भी अहकाम नाजिल किया जो भी बातें उतारा वो सब ला को हम ना सुनाते समझ में बात अब क़ुरान है नमाज़ पढ़ने का हुक्म ज़क़़़़़त का हुक्म या रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म निकाह करने का हुक्म तलाक़ देने का हु ज़िंदगी के बारे में जन्नत के बारे में जहन्नम के बारे में अल्लाह तबारक वाली के बारे में पिछले कौम यानी हमारे से पहले जो नबी आगो हैं हमारे से पहले जो कौम आके हैं उनके बारे में अल्लाह ताला बयान करे है कि नहीं कुरान में मौजूद है पूरा अब ये सब बातें कौन हमना दिए सो कुरान में कुरान लागू हमना कौन दिए अल्लाह अल्ला भेजे किसके जरिए से भेजे फरिश्ते के जरिए से भेजे किसके पास नबी के पास रसूल के, के पास और रसूल क्या करे हमना दिए बात समझ आई तो वो काम कराने के वास्ते अल्लाह तबारक व रसूल को जो है मंतख करते बात समझ में आई रसूल कहीं मंतखब करते इसलिए कि अल्लाह तबारक वाली की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बात समझ में आई अच्छा वगैरह वजा का माँ अलिम और इसी तरह अल्लाह तुबी वही नाजिल करता है वही किसे बोलते वही यानी अल्लाह तबारक व ताल किया ताला जो उतारता नबी के ऊपर उसको क्या बोलते वही तो अल्लाह ताला जो भी बातें बताता नबी को नबी क्या करते हमारे तक पहुंचाते अच्छा ठीक है बात नहीं उसमें एक पॉइंट बोलते हैं कि सबसे पहले रसूल कौन है रसूल सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम है लेकिन सबसे पहले रसूल उनके बाद वाले दूसरे कौन है आ, आ, नूह अलैहिस्सलाम। कौन सबसे पहले रसूल कौन नूह अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले रसूल कौन नूह अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी कौन आखिरी नबी कौन हमारे नबी उनका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल कौन नूसलाम आखिरी रसूल ठीक है अच्छा दलील क्या है अल्लाह तबारक कुरान में फरमाता है रिजालिकुम मुहमदिर रसूल अल्लाह खातमन नबीन अल्लाह बोलते क्या बोलते के मोहम्मद वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं इनो नबी का सिलसिला जो आता अल्लाह ताला भेजता हुआ यार एक के बाद एक एक के के बाद बाद एक बाद एक, बाद एक सबसे आखिरी नबी कौन है मोहम्मद वसल्लम है ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है अब कौन भी नबी नहीं आते, आते। उन्होंने वो ईसा आसम दुनिया में जब उतरते तो उन्होंने एक उम्मती की तरह उतरते यानी हमारी तरह नबी के उम्मती बन के उतरते जैसे इंसान वो भी इंसानी है रसूल भी इंसानी है तो ईसा आसलम जो आते उन्होंने नबी बन को नहीं आते।, नहीं आते क्या बन के आते वो इंसान तो न... उम्मती बन के आते अल्लाह मोहम्मद सल्लम के उम्मती हमें उम्मती उम्मती किसे बोलते हैं यानी एक नबी के मानने वाले हमें एक नबी को मानने वाले वैसे अच ईसा आलाम भी अल्लाह के नबी के शरीयत को फॉलो करते अल्लाह के नबी की यानी मोहम्मद की शरीयत को फॉलो करते नबी बन के नहीं आते ठीक है वाजे सवाल कह अच्छा हाँ बाकायदा वहाँ उन्होंने जो है जब उतरते तो जब दज्जाल का फितना रहता है यहाँ दज्जाल जो उतरता उतर के दज्जाल जो है सब जनों को जो भी मोमिन है उनको मारते रहता और जो काफिर है उनको जो है लोगों को अपना जलवा दिखा दिखा के काफिर बनाते रहता वैसे वक्त में बाकायदा जब ईसा इस्लाम उतरते उतरने के बाद जंग जो है होती दज्जाल से जंग करते और दज्जाल कुछ उसकी जो है जो हदीसा में है उसका उसके बारे में यह है कि अल्लाह तब उसको बहुत पावर देता इतना पावर देता कि वो अपने हाथ में जन्नत दिखाता अपने हाथ में जन्नत दिखाता और अपने हाथ में जहन्नम दिखाता वही नहीं मालूम हदीस में है अब हदीस में है बात हदीस में है बात यकीन करना ना वैसा यकीन हमें करते कि अल्लाह ताला उसको इतना पवर देते लेकिन कैसा देते उसका आ, कैसा उसको वो ताकत मिलती नहीं मालूम तो यहाँ तक हमें मालूम क्या करें रसूल किसे बोल बोलते ये मालूम करें नंबर दो उन अल्लाह ताला उनको क्यों नाजिल किया कई को नाजिल कराया वो मालूम करें तीसरी बात हमें क्या मालूम करें सबसे पहले रसूल कौन है वो मालूम करें और सबसे आखिरी रसूल कौन है वो मालूम करें ठीक है उसके बाद बोलते हैं व रसूलु बशर उन रसूल हमारी तरह इंसान है रसूल हमारी तरह इंसान है अल्लाह ताला उनको भी पैदा किया अल्लाह ताला उनको भी पैदा, पैदा, पैदा किया लई सल मिन खसा सर रबूबिया वुलू शईन रसूलों के अंदर अल्लाह तबारक वाली की कोई सिफत नहीं है यानी रसूल रब नहीं।, नहीं हो सकते रसूल अल्लाह तबारक वाल नहीं हो सकते रसूल माबूद नहीं, नहीं हो सकते रसूल रब नहीं हो सकते रसूल नहीं। माबूद, माबूद नहीं।, नहीं हो सकते यानी माबूद किसको माबूद माने क्या जिसकी इबादत की जाए ऐसा ऐसा आदमी जिसकी इबादत हमें करे जा वैसे आदमी नहीं है रसूल इबादत के लायक कौन है अल्ला। सिर्फ अल्लाह रसूल इबादत के लायक नहीं है उसी को क्या बोलते हैं रसूल मबूद नहीं है बात समझ समझाई तो रसूल को हमें क्या बोलना? माबूद नहीं बोलना मबूद है बोल को नहीं बोलना बल्कि वो कौन है हमारी तरह इंसान है उनके अंदर बारिश बरसाने की सलाहियत नहीं है, नहीं है। उनके अंदर रजीख देने की सलाहियत नहीं है।, नहीं है रसूलों के अंदर मारने की सलाहियत नहीं है, नहीं है। रसूलों के अंदर जिंदा करने की सलाहियत नहीं है, नहीं है। ये सब रब रब किसे बोलते मारने वाला जिंदा करने वाला मौत देने वाला बीमारी देने वाला बीमारी को खत्म करने वाला आ, ये सब दुनिया को चलाने वाला तो ये रसूल रब नहीं, नहीं हो सकते ठीक है और इसी तरह रसूल माबूद भी नहीं हो सकते यानी जिसकी हम इबादत नहीं करें नहीं। इबादत करना मतलब क्या अब नमाज पढ़ना है नमाज किसके लिए पढ़ना हम अल्लाह के लिए पढ़ना कोई आदमी पढ़ता है मैं ये नमाज पढ़ रहा हूं नबी के लिए जायज है जायज नहीं है सजदा कर रहा हूं मैं सजदा कर रहा हूं नबी के लिए जायज जायज है? नहीं, जायज नहीं। मैं कर रहा हूं नबी के नाम से नबी के लिए जायज है नहीं। जायज नहीं है नहीं। क्यों इसलिए कि इलाह कौन है सिर्फ अल्लाह तबारक वाल रसूल इलाह नहीं हो सकते बात समझ में तो बोलते हैं जब रसूल रब नहीं हो सकते जब रसूल अल्लाह तबूद नहीं हो सकते फला بهم, उनसे दुआ मांगना जायज नहीं, नहीं है दुआ मांगते हैं, अब भोजन मांगते अ नबी हमारी बीमारी दूर कर तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते नबी के बारे में शिरकी आशार बोलते दुआ करते उनसे ए नबी हमको जो है माफ फरमा मदद फरमा रहम करमा रहम फरमा नभी, या नबी या किसे बोलते हैं अरबी जबान में या किसे बोलते हैं आए बोल की मीनिंग या कि मैंने क्या अए बोल के बोलते हैं अब आए बोल को हमें किसे बुलाते हैं जिंदा है जो आदमी को सामने है जो आदमी को अल्लाह को भी बोले जा या अल्लाह चूंकि वो यहां से हमारी बात सुनता अल्लाह तला क्या है हमारी बात सुनता हमें या बुलाए जा लेकिन अब यहाँ नहीं है बाजी है या बाजी हमें बुले जा क्या नहीं बुलाना कहीं को नहीं बुलाना, बुलाना? इसलिए कि उन्होंने हमारी बात नहीं, नहीं।, नहीं सुनते है. अगर हमें बुलाते हैं अरे बाजी हमारी मदद फरमा मतलब हमारे दिल में क्या है बाजी के अंदर वो सलाहियत है कि उन्होंने वहां से भी हमारी बात सुनते हैं बोल को तो ये क्या हुआ शिरक हुआ है किसके अंदर है सिर्फ सलाहियत सुनने की अल्लाह तला के अंदर बाकी जो यहां पर है बुला लो आप मुखीम वो चीज दे जायज है क्यों यहां पर है ना वहां पर कोई है उसको हम बुला रहे मतलब हमारे जहन में क्या है हमारी बात यहां से वो सुनता है तो ये क्या हुआ बात समझ में तो वैसा या नबी बुलाने का ये भी जो है गलत फायदा क्योंकि नबी हमारे सामने नहीं, नहीं है नहीं सुन सकते बात समझ में तो सुनते हाँ तो बोलने का मकसद क्या रसूल जब रब नहीं हो सकते रसूल जब मबूद नहीं हो सकते तो उनसे दुआ करना जायज, जायज नहीं होगा वाला दुआ ना ही उनको पुकारना मदद के लिए पुकारना या उनसे जो है कोई चीज मांगना ये जायज नहीं, नहीं होगा वाला उनके लिए नजर मानना नजर मानना किसे बोलते इससे पहले बात आई थी नजर मानना किसे बोलते किसे बोलते नजर मानना किसे बोलते वो नजर नहीं वो नजर नहीं ये नजर अलग वो नजर अलग वो नजर अलग गलत वो ये नजर मान नजर मानना किसे बोलते अब एग्जाम है अः अल्लाह अगर मैं एग्जाम में पास हो गया मैं खर्च करूंगा इसे बोलते नजर मानना बात आई करे जा किसके वास्ते अल्लाह के वास्ते यहाँ बात क्या चलती है रसूल के लिए नजर मांगना हाँ जायज़ नहीं है अब 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 ये ना, तुम्हें ना। तुम्हें मिसाल जो है ये करे करें अल्लाह मेरा बच्चा बीमार है मेरे बच्चे की अगर बीमारी दूर हो गई तो अए नबी अगर सद्दू अच्छी हो गई तो हमें तुम्हारे नाम पर जो है एक चीज जबाह करते बकरी जबाह करते बोल को बोले जायज नहीं कहीं को नबी के वास्ते करते हैं हमें नजर मारना किसके वास्ते है अल्लाह के नाम पर मांगना अल्लाह के अलावा दूसरों के नाम पर नजर नहीं मांगना बात समझ में आई जब ना ही जबाह करना अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जबह नहीं करना. नहीं करना तो रसूल के नाम पर जबाह करना जायज है क्या नहीं, नहीं जायज है बात समझ में आई तो ये सब क्या हो जाते शिरक हो जाते वाल इबादा सरफूह मिनहुम इसी तरह किसी तरह की इबादत भी रसूल के वास्ते हमें नहीं करना, नहीं करना। इबादत सिर्फ किसके वास्ते करना अल्लाह तबालक पता के वास्ते करना अच्छा रसूल से कई को मदद नहीं मांगना अल्लाह बोलते हैं कुल ए नबी आप बोल डालो ला अमली नफसी नफा मैं अपने आप को नफा नहीं पहुंचा सकता क्या बोलते हैं नफा मतलब। फायदा नफा माने फायदा यानी मैं अपने आप को फायदा ने, फायदा देना मतलब क्या मुझे वो चीज होना वो चीज होना नबी अपनी तरफ से कुछ कर सकते क्या नहीं, नहीं। अगर नबी अपनी तरफ से कुछ कर सकते तो एक ही हुक्म सबको ईमान वाले बना देते थे नहीं, नहीं। इतने जंग करना हाँ अल्लाह के नबी को क्या हुआ जंगे वो में दुश्मन थे मारा तो अल्लाह के नबी को पेशानी में मेघ चुभ गया ऐसा अल्लाह के नबी के दादा टूट गए वो जंग में ठीक है तो अगर अल्लाह के नबी के हाथ में रहता तो अल्लाह के नबी सब जना को ईमान वाले बना देते नहीं काफिर पूरे को क्या करते थे जना को सब जना को जान से मार देते थे नहीं अल्लाह तक अल्लाह अल्लाह के नबी करे क्या तो वह बोलते हैं अए नबी आप बोल दो कि मैं अपने लिए कोई फायदा नहीं।, नहीं पहुंचा सकता वाला जर्रा ना नुकसान पहुंचा, पहुंचा सकता हूं किसी को मारना है तो अल्लाह ताला ही चाहे तो मैं मार सकता हूं नहीं तो नहीं बात समझ में आई माशा अल्लाह इल्ला अला के जो अल्लाह तबारक वाले वलौ कुंतुब अगर मैं गैब को जानता गैब यानी जो हम ना नज़र नहीं आते जो जिस तरह हम ना नज़र नहीं आते गैब है उसी तरह अल्लाह के नबी को भी गैब की बात नहीं, नहीं मालूम तो वो जो बोलते हैं वलौकंतु आलमैब अगर मैं गैब को जानता लस्तक सर तु मिनल खैर तो मैं अपने लिए खैर को जमा कर लेता मनजे अच्छा छोना बोल को मैं जमा कर लेता लेकिन मैं गैब को नहीं जानता बात समझ में आई? इसीलिए अल्लाह के नबी को तकलीफ भी उठाना पड़ा मुसीबत भी आई परेशानी भी आई हा? उनके जो है बच्चों में इब्राहिम पैदा हुए सब जने क्या हो गए बचपन में इंतकाल हो गए अगर अल्लाह के नबी के हाथ में होता तो उनके बच्चों को बचा लेते नहीं तो अल्लाह के नबी के हाथ में भी मतलब नहीं है। क्या भी नहीं था बात समझ में और मुझे जर्रा भी नुकसान नहीं होता था अल्लाह के नुकसान हुआ नहीं हुआ ताइफ में, एक ताइफ में दावत का काम करने गए ताइफ, ताइफ के दुश्मनी, पहले दुश्मन आ पूरे, क्या करे दुश्मन उन्होंने पूरे अल्लाह के नबी के पीछे जो गुंडे लोग गुंडे लोग बदमाश लोग क्या कर डाले पिछे लगा डाले अल्लाह के नबी के पीछे मालूम दुश्मन तो। अल्लाह बोले उनको रसूल अल्लाह को को कर अल्ला। को को अल्ला उनको के तुम्हें नबी बनाए हैं अल्लाह तला तुमको नबी बनाया है अब से तुम्हारा काम अल्लाह तुम जो, जो पैगाम देते वो पैगाम को लोगों को पहुंचाना किनको तो जिब है? है। है है। <दिकर> देखे, देखे? 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 देखे। <दिकर> तो हैं हदीस में क्या है कि अल्लाह बोलते किसको नहीं देखे अल्लाह तला को नहीं देखे नहीं देखे तो क्या हुआ हदीस में क्या है कि अल्लाह के नबी एक गारे हिरा में रहे अल्लाह के नबी एक गार गार गारे हिरा बोल के एक गारे हिरा है गार तो का तो, तो क्या गुरुहा गुरुहा मालूम ना पहाड़ में गुरुहा रहता के वो, के वो। ऐसा फतरा अंदर फत ऊपर फतरा रहते अंदर बैठने जगह रहा छोटा जगह रहा वो गुरुहा अल्लाह के नबी नबीम जो है को इबादत करते थे तो वहां है नी अल्लाह के नबी एक एक आदमी को देखे आसमान में है नी, उन्हें अपने पर फैलाए बैठ को था अल्लाह नबी देखते वो आदमी को बोलता अल्लाह ए मोहम्मद पढ़ बोल को बोलता अल्लाह के नबी क्या बोलते मुझे पढ़ना नहीं आता बोल को बोलते फिर वो ले को पीठ से पीठ मिला को दबा दे ना, ऐसा गले से गला मिला को दबा दे दबा तो क्या बोलते मोहम्मद पढ़ फिर दोबारा बोलते मुझे पढ़ना नहीं आता अलग पढ़ को नहीं अलग ने भी क्या भी पढ़ को नहीं लिखने भी आता नहीं बोलो कुरान नबी ने भी को बोले अल्लाह ने भी साहबा को बोल को लिखा है अल्लाह ने भी लिखे नहीं जैसे जिब्रई को सुनाते थे जब्रैल आगो सुनाते ही जबरा सुनाते ही अल्लाह के नबी साहबा को जो है बोलते थे और अल्लाह ताला उनको जो है सहाबा यानी अल्लाह के नबी के साथ रहने वाले अल्लाह के नबी के साथ जो अधमियार है उनको सहाबा बोलते अल्लाह के नबी के साथ जो अधमियार है उनको सहाबा बोलते तो अल्लाह के नबी नबीम क्या करते थे वो कुरान के आयतों को अल्लाह के नबी को याद था पहली बात हाँ याद था वैसा अच्छा याद कराते थे साहबा को याद कराते थे साहबा को याद कराते थे कुरान और सहावे क़राम बाद में क्या करे वो उसे लिखना शुरू करे वैसा कुरान जो है जमा हुआ वरना अल्लाह के नबी को लिखना पढ़ना नहीं, नहीं, नहीं आता हाँ नहीं, नहीं दूसरे नबी को आता लेकिन अल्लाह के हमारे नबी को नहीं आता तो क्या बोले हाँ हाँ हमारे नबी जो हमारे आखिरी हमें आखिरी नबी की उम्म दी हमें उससे पहले अगर रहते तो हमें वो नबी की उम्म दी उससे पहले वाले वो नबी की उम्मती ऐसा हर नबी के उम्मती यानी जो ज, ज, जिस नबी के बाद जो लोग आते वो नभी, वो नबी के उनो उम्मती तो हमें आखिरी नबी के उम्मती हुए बात समझ में आई तो क्या हुआ तीसरी मरतबा बोले अरे मोहम्मद पढ़ बोल्गो बोले पढ़ गो बोलग बोले तो उसके बाद उन्होंने खुद बोले कि बिस्म रब्ल खलक الانسان الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم علم بالقلم ما لم يعلم बोले के पढ़ो बोल को अल्लाह तो ये आयता जो है नाजिल करे पढ़ो तुमको अल्लाह तआला तो पैदा किया तो यहां तो मिट्टी मतलब। से हमें असल में बने असल में लेकिन हमें पैदा कैसा हुए अम्मी के पेट से पैदा होते हैं हमें वैसा हमें गोश्त का टुकड़ा वो मतलब असल हमारा कैसा मट्टी से कैसा माइट करे दो तो? आदम को मट्टी से पैदा करे वो हिसाब से समझ में बात थो? अच्छा अल्लाह के नबी देखे क्या फरिश्ता नबी को कैसा मालूम हमें नबी बोल गो पूछे तो नबी को फरिश्ते आगे बताते हमें तुम्हारा नबी बना अच्छा उसके बाद क्या हुआ ये उतारने के बाद अल्लाह के नबी डरते डरते जो है घर को आए घर को आके अः खदीजा उस वक्त कौन थे अल्लाह के नबी की बीवी जमीलूनी जमीलूनी बोलते आगो आगो है नी डर को मुझे चादर उड़ा चादर उड़ाओ बोल बोलते चादर उड़ा चादर उड़ा बोलते तो हाँ ख़दीजाला को फौरन जो है चादर पिनाते तसल्ली देते कई को डरते हैं क्या क्या हुआ तुम ना क्या हुआ नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं मेरी जान खत्म हो जाती है क्या हुआ क्या हुआ तो ऐसा ऐसा देखना क्या मिला मुझे तो कई को तुम्हें डरो को तुम ना क्या भी होता नहीं तुम ना कौन मार दे तुम्हें अच्छे काम करने वाले गिनाते उन्होंने तुम्हें है नहीं रिश्तेदारी को अच्छा जोड़ते रहते ना सब दिन रिश्तेदार से अच्छा मुलाकात करते आप और जो है कोई आदमी गरीब आदमी है उसको जो है खाना खिलाते साथ देते कौन तुम तो भी बोझ वाला है तो उसे तुम्हें साथ देते तुम ना कौन भी क्या भी करते नहीं क्या हुआ तुम ना तो उन्हें फिर तसली देते तसली दिए तो उसके बाद फिर एक जने को बस बुला ले जाते क्या हुआ ऐसा है तो उन्होंने बोलते उनके उनके, उनके दो वर्का बिन नौफिल उनका नाम वर्का बिन नौफिल उन्होंने नबी रहते नहीं उन्होंने ईसाई रहते अल्लाह के अल्लाह के नबी से पहले कौन नबी ऐसो ईसा सलाम उनके उम्मती रहते उन्होंने उनके पूरे किताबा पढ़ने वाले इंजिल इंजिल है नी इंजिल को पढ़ने वाले इंजिल को चलने वाले उनो है नी जैसे सुनते अच्छा ये नबी जो ये रसो ये फरिश्ता जो उतर को है ना ये फ़रिश्ता हर नबी के पास आता था जब्राइल है उनो इनो है नी आइंदा नबी बनाए जाते और तुम ना है नी लोग तुम्हारे गाँव से निकालते बोल को बोले अगर वो दिना में मैं रहाया तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ बोल को बोलते तो मुझे निकाल दे क्या कहीं को निकाल दे अलग नहीं, नहीं। मालूम नहीं ना ये सब जब भी शुरू होता सो मुझे निकाल दे लोग कहीं को निकाल दे नहीं जो भी नबी आ को है ऐसे अल्लाह के बात बोल को है वो नबी को सब ने क्या करते भगाने वास्ते सोचते लिहाजा तुम ना भी भगाते बोल को उन्होंने जो है बोलते तो उसके बाद फिर जो है शुरू होता ठीक है तो बोलने का मकसद क्या उन्होंने भी अल्लाह के नबी को भी अल्लाह के नबी को कौन बोले नबी बोल को जिब्राइल आ को बोले कि अल्लाह ताला तुमने नबी बनाया अब से तुम्हारे पास जो है कि ये नाजिल होते रहते क्या अल्लाह ताला अल्ला अल्ला के आया था देखो को है जिब्राइल आगो बोलते ठीक है बात समझ में अच्छा अच्छा अब मसला अब ये समझ में आ गया रसूल किसे बोलते कैसा है रसूल के बारे में अब मसला क्या शुरू होता रसूल के ऊपर ईमान कैसे लगाना? रसूल के ऊपर ईमान कैसे लगाना? तो बोलते हैं हम हक मन दिल्ला सबसे पहले हमें यह ईमान लाना कि अल्लाह तबारक वाली इनको रसूल बना को भेजा अल्लाह ताला इनको रसूल बना को भेजा अगर हमें रसूल इस माने नहीं उनको तो फिर हमें कुरान को मानते हदीस को मानते हमें मुसलमान हो सकते नहीं तो सबसे पहला काम क्या हमें क्या मानना उन्हों हमारे रसूल है बोल को मानना फमन कफ और बिलिसन वाह मिन फ़कद कफ और जो आदमी नबियों में से किसी एक नबी का भी इनकार किया गोया कि वो तमाम अम्बिया का इनकार किया आप बोले मैं आदम अलैहिस्सलाम को मानतूँ मैं नूह अलैहिस्सलाम को मानतूँ मैं दाऊद अलैहिस्सलाम को मानतू मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को मानता हूं लेकिन मैं मोहम्मद को नहीं मानता आपका ईमान मुकम्मल नहीं नहीं, एक नबी का भी इनकार करे तो सब नबी का इनकार कर सका आप बोले मैं नबी को मान तू हमारे मोहम्मद को मान तू लेकिन आदम सलम को मानता नहीं आपका ईमान नहीं बात समझ में तो किसी एक नबी का भी इनकार करना गोया के तमाम अंबिया का नहीं। इनकार करना है कई को इसलिए कि कौन बोले यह नबिया है हमारे नबी बोले सो कुरान में बोले हदीस में बोले अब हमें वो नबी नहीं है बोल को बोले है, तो मतलब क्या इनो बोले सो बात झूठे बोल को अब इन इनको झूठे समझते हैं तो मतलब क्या हमारा ईमान इनके ऊपर नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं है बोल को बात समझ में तो किसी एक नबी का इनकार करना गोया के तमाम का इनकार करना है बात समझ में फन नसारा मुहम्मद इबनि मरियम जो नसारा है यानी ईसाई नसारा मतलब क्या ईसाई किसे मानते ईसाई मतलब क्रिश्चियन। ईसा को मानने वाले ईसा इस्लाम को मानने वाले ईसाई ईसा को मानते तो क्या बोलते उन्हों ईसा हमारे नबी है मानते ईसाई क्या मानते हमारे नबी कौन है ईसा इस्लाम मानते लेकिन उसी ईसा को उन्होंने क्या बना लेते रब बना लेते अल्लाह को बना लेते लेकिन मोहम्मद पर उन्होंने ईमान नहीं लाते तो क्या उनका ईमान सही हुआ नहीं हुआ क्यों इसलिए कि वो नबी का आखिरी नबी का इनकार कर रहे हैं और जो एक नबी का भी इनकार किया गोया कि वो तमाम अंबिया का इनकार किया अल्लाह ताला हर नबी को भेजता हुआ लाइन से भेजता हुआ आया उसमें ईसा इस्लाम को भेजा ईसा सलाम को दुश्मन मारने की कोशिश करे अल्लाह ताला उनको उठा लिया आसमान पे उन्होंने इंतकाल नहीं हुए अब तक, तक जिंदा है वो अल्लाह जिंदा है, है आसमान पर है मौत नहीं दिया अल्लाह ईसा ईसार्लाम इंतकाल नहीं हुए अब तक है, है आसमान में है वही तो आखिरी में आए वो बोले ना आखिरी में आते ना उनको सवाल करें नहीं उन्होंने मैं क्या बोला हमारे नबी ही आखिरी नबी बोल को बोले तो उन्होंने क्या पूछे कि ईसार्सलाम आते ना आइंदा क़यामत के करीब आते ना तुम्हें क्या बोलिया उन्होंने नबी बन को नहीं आते बल्कि मोमती बन के आते वो उम्मती, उम्मती। यानी नबी इस्लाम को फॉलो करते वो भी बात समझ में आई इंतकाले हुए उन्होंने मारते उन्हों दज्जाल एक तरह उसको पवर दिया रहता उसको एक अंक ही रहता बोलते अल्लाह ताला वो जो है अपने आप को अल्लाह बोलता मैं तुम्हारा रब हूं जन्नत दिखाता हाथ में जहन्नम दिखाता और क्या बोलता मेरे ऊपर ईमान ला जन्नत दे तू बोलता उसके अब काम करता उन्हें हमें ईमान लगा लग दे हाँ आ? आ? तो हाँ <स्याद> काफिर जो वो उस हमें को तो हमें नहीं उसका फितना ऐसा रहता कि लोग हैं नहीं उसके फितने में पड़ जाते हो इन्हें अल्लाह है इन्हें चल्ला को लोग उसके पीछे जाते लेकिन जो ईमान वाले जिनको जो पढ़ पढ़ के है ना जो ईमान वाले हैं दज्जाल आता दज्जाल आता वो अल्लाह ताली तो जो है हाँ दुनिया में नजर आता नहीं बल्कि आखिरत में ही नज़र आता कौन भी आ, को दुनिया में करता है तो उन्हें दज्जाल हता लेगा था नहीं उन्हें इंसान रहता नहीं जो यकीन वाला हर ना उन्हें पहचान लेता नहीं इन्हें दज्जाल है अल्लाह ताली कुरान में मजीद में बोल को है कि दुनिया में अल्लाह तला नज़र नहीं आता बोल को इन्हें अपने आप को इलाह बोलता है जन्नत दिखाता है जन्नम दिखाता है तो इन्हें इन्हें अल्लाह नहीं हो सकता बोल को यकीन कर लेता लेकिन जो यकीन नहीं करता उन्हें क्या करता हाँ मैं जन्नत जा तो मैं तुझे मान मानता बोलो उसे मान लेता उन्हें उठा को जन्नत अपन उसका जन्नत वो हाँ वो जन्नत में डालता हालांकि उन्हें क्या हो गया असल में काफिर हो गया जो नहीं नहीं मैं मानता नहीं तुझे बोलो बोलता उसे उठा क्या करता इन्हें जहन्नम में डालता हालांकि वो जहन्नम क्या है असल हमारे वास्ते बेहतर है वो दिखने में ऐसा दिखता जहन्नम बोल को हालांकि वो जहन्नम नहीं रहता उसे, उसे। हाँ उसका जहाँ उन्हें बोलता अपने हाथ में जन्नत दिखाता देखो जन्नत है, माँ। माँ। भी कर नहीं। है। भी वो ना हाँ जो वो चलने का अल्लाह जो बोलते हमें जब जज्जा लाता तो एक, -एक जना अच्छा ईमान वाला बज जाता वहाँ नई ईमान जर्रा भी शक हैसो वाला सब जने उसे मान लेते जो पक्का कुरान और हदीस पर चलने वाला है जिसका आकीदा पक्का है जो बार बार सुन को है पढ़ को है हदीसा में कि दज्जा लाता दज्जा लाता उन्हें एक ही बच जाता कह तो ऐसे जमात रहती ना वैसे लोग बच जाते बाकी सब जने क्या हो जाते उसकी फितने में पड़ जाते मारता गया तो उन्हें मार चीरता करते क्या क्या करता उन्हें बहुत सता क़यामत ना वो क़यामत के करीब ये होने का सब्जे ने मर जाते उसके बाद वो ऐसा करते रहता बल्कि उन्हें क्या बोलता आ, मैं देख मैं इलाह मैं अल्लाह हूं बोलता क्या कैसा तू अल्लाह है हमने दिखा कर तो उन्हें क्या करता आदमी को मार डालता देख मार डाला ने क्या हाँ मार डाल उसे फिर जिंदा कर डालता जिंदा कर डालता अब ये ये सीन देखे तो कौन तू भी मानता नहीं मानता वही करता उन्हें जिंदा है तो देखते दे। हा हमें अल्लाह तला से वही दुआ कर इसीलिए हमें तशोद की दुआ याद है ना तशी दुआ याद करा था ना अल्लाह इन्नी आउजुबी का मिन अजाबल मिन अजाबी वो मिन अजाबी जहन्नम फिनादिल मसी दज्जाल वो छे वो हमें जो दुआ करते ना वो क्या है वो उसका मीनिंग क्या बोल दूँ देखो अल्लाह उम्मीन आउजुबी का मीन अजाबल अल्लाह मुझे अजाब कब्र से बचा एक आउजुबी का मिन आजाबी जहन्नम जहन्नम के अजाब से बचा दूसरा माना तीसरा माना क्या वुबी का मिनतिल दज्जाल के फितने से बचा यानी अगर हमें अल्लाह अगर हमें दज्जाल के दिना में जिंदा रह गए तो हमें उसके फितने में नहीं पड़ना हम ना होता ईमान दे वो दुआ वो समझ में हमें जो दुआ कब से दुआ करते हैं अलग ने भी सिकाय बाकायदा तुम्हें फितने दज्जाल के फितने से पनाह मांगो कहको तो जहन्नम करीब है क्यामत करीब है फिर ददजाल आता तुम ना ऐसे ऐसे कारनामे कर को दिखाता ऐसा मैजिक कर को दिखाता तुम्हें उसके फितने में पड़ जाते हाँ उन्हें अल्लाह उनको समझ जाते लिहाज़ा तुम्हें हर नमाज़ में दुआ करो ये क्या दुआ करो अल्लाह हमको दज्जाल के फितने से बचा तो अगर हमें दज्जाल के दिना में आ गए तो ईमान वालद बच सकता उसी लिए दुआ करते रहना हमें क्या बोल को अल्लाह दज्जाल की फितने से हमको बचा अगर हमें ज़िंदा रह गए तो मर गए तो खैर मर जाते उन्हें आने से पहले मर जाते खत्म हो जाता लेकिन हमें जिंदा रह गए तो उसके फितने से बचा बल को दुआ करना हमें ईमान है तो रहती अब मैजिक चलता है तो चल जाती भाग को कौन की डब डब मारते चल जाती जर्रे जर्रे वादम को चल जाती तो वैसा उन्हें कौन की मैजिक करता है कहते हम जन्नत दिखाता कहते उन्हें है हमना बारिश बोलया तो बारिश नाजिल होता है कदे उन्हें है नी मर गए आदमी को जिंदा कर जाता है कहते उन्हें क्या पूछ देता है कदे जाती नहीं जाती नहीं एक इंसान की फितर हमें इंसान है अब हरेक का दिल क्या रहता हाँ रहता ना हरेक के दिल में ख्वाहिश रहते वो रहता वो मिलना वो मिलना रहते ना हरे के दिल में रहता ना हम ना है वो वो गाड़ी लेंगे हमें है नी वैसा करेंगे हमें है जाएंगे प्लेन चढ़ेंगे बिरयानी होना है ना हरेक की ख्वाहिश है ना हमें छोटे छोटे हमें सिंपल लेते हैं मामूली समझते हैं अब वो सब वहाँ वैसा कर को दिखाता उन्हें मैजिक कर को दिखाता तो अब उस सिचुएशन ऐसा रहता इंसान है नी वो ख्याल आता नहीं उसे हाँ क्या है क्या नहीं वो ईमान वाला कर सकता वो हाँ उससे लड़ सकता नहीं उसके करीब जाने से भी बच जाता और उसने गया तो भी नहीं मैं तुझे मानता नहीं बोल बोलना उतना हिम्मत आना मामूली बात नहीं है सब क्या कि हमें मामूली समझना नहीं अरे तो तो मार डालता हाँ जान से मार डालता उन्हें अभी दस जने दस जने आगो हम ना है नहीं अरे वो दे रहे उनको बोले हमें उसकी बात सुन लेते हमें इनकार कर डालते नहीं दे उनको हमें क्या कर दे डर जाती नहीं डर जाते तो जब दस जने आए तो हमें डर जाते उन्हें अपनी फौज ले लेकर आता तो बड़ा इंसान रहता उन्हें तो फौज ले को आता उन्हें नहीं बोला तो अरे मारते बोलते क्या करता उस वक्त वही उस वक्त में बच को रहना को तो बहुत बड़ी बात इसीलिए दुआ करो बोल को बोले अभी वो मक्का मदीना को अल्लाह ताला बचा को रखते उसको तो तारा उसके उसके तोड़ना बोल को नहीं उसे वो अल्लाह ताला उसे वो हिम्मत देती नहीं जाने वास्ते उसे जाने छोटता नहीं उन्हें पूरा घूमता हालांकि लेकिन मक्का मदीना जाता नहीं पूरे शहर को ये करना ना आजमाई सोचना सबसे बड़ी निशानी क्यामत की बड़ी निशानी वो एक दूसरी बात क्या सूरज हमेशा चुलू होता है किधर से इधर से चुलू होता है ना वो दिन क्यामत के दिन क्या होता है इधर से निकलता वो सबसे बड़ी अलामत क्यामत नाजिल होती है दूसरी, दूसरी बात जिस पर हम रसूलों पर ईमान लाएंगे वो ये है कि हम जिन जिन रसूलों के नाम जानते हैं उनके ऊपर हम ईमान लाएंगे। क़ुरान और हदीस में जितने नबियों के नाम हमें सुन को हैं उन तमाम नबियों पर हम ईमान लाएंगे। मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम सलाम मूसा नूह अलैहि सलाम तो ये नाम जो मजकूर हैं इन नामों पर हम ईमान लाएंगे कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि ये रसूल हैं लिहाजा हम इन पर ईमान लाते हैं कि ये रसूल थे ये चंद मिसालों के तौर पर हमें नामा जिक्र करें वरना बहुत सारे नामा हैं नबियों के जो भी क़ुरान हदीस में मजकूर हैं वमन लम नम इसम निनुबही इजमा क्या जितने नाम जिक्र हैं उतने ही रसूल हैं नहीं इनके अलावा भी रसूल हैं जिनके नाम हम नहीं जानते लेकिन हम उन पर भी ईमान लाते हैं कि अल्लाह ताला रसूलों को भेजा उनके नाम हम नहीं जानते ठीक है इस तरह हम ईमान लाएंगे तीसरी बात कैसे हम रसूलों पर ईमान लाएंगे तस्दीकु मा सन हम मिन अखबार हिम रसूल सल्ला वसलम या रसूल जो भी बात बतलाए उन सब की हम तस्दीक करेंगे मानेंगे हाँ ये लोग बोल रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं तो ये बात सही होगी गलत नहीं होगी ये बात हम मानेंगे अगर आपको शक है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सही हैं क्या वो कयामत के बारे में फ़रमाते हैं जन्नत के बारे में फ़रमाते हैं जहन्नम के बारे में फ़रमाते हैं या फलाँ फलाँ चीज़ों के बारे में बतलाते हैं उनका कहना है कि मैं नबी बना कर भेजा गया क्या वाकई में नबी बना कर भेजे गए क्या अगर उनकी बातों में डाउट है उनकी बातों में अगर किसी को शक है तो फिर उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा उसका ईमान सही नहीं होगा बात समझ में उसके बाद चौथी बात बता रहे हैं अलामूब शरियआति मन उर्सिलान हम वह हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से जो आखिरी नबी है जो हमारे नबी है हमारे लिए भेजे गए महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शरीयत पर हम चलेंगे इससे पहले जो रसूल आए उन रसूलों पर हम ईमान लाएँगे लेकिन शरीत किसका फॉलो करेंगे महमद सल्ला वसम का अगर हम उनके ज़माने में होते तो उनके शरीयत फ़ॉलो करते लेकिन हम चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ही फॉलो करेंगे यही वजह है कि ईसा आलतम जब, जब क़यामत के करीब आएंगे तो वो भी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की शरीयत ही को फॉलो करेंगे बात समझ में आई और हम ये यकीन रखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है अगर हमारा ईमान ये नहीं है बल्कि हमारा ईमान ये है कि इनके बाद भी नबी आए हैं या आएंगे, जैसा कि कादियानियों का कहना है वो लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी बनाते हैं तो अगर ये यकीन है कि नबी अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं मोहम्मद अलैहि वसल्लम उनके बाद भी नबी आए हैं या आएंगे तो फिर उनका ईमान सही नहीं होगा बात समझ में आ गई कैसा ईमान लाना है रसूलों पर अब आइए मालूम करते हैं कि रसूलों के ऊपर ईमान लाने से फ़ायदा क्या होगा रसूलों के ऊपर ईमान लाने से फ़ायदा क्या होगा सबसे पहला फ़ायदा यह होगा अल इल्मु वनायत व इनायतिही इबादी हमको ये मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व ताली की इनायत अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर कितनी है कि अल्लाह तबारक व ताली इस दुनिया को आजमाइश के लिए पैदा किया लेकिन फिर भी हम लोगों को सीधी राह पे लाने के लिए बातें बताने के लिए अल्लाह ताला रसूलों को भी भेजता रहा अगर अल्लाह रहम करने वाला नहीं होता तो भेजता रसूलों को नहीं भेजता था अल्लाह ताला रहम करने वाला है अपने बंदों पर बंदों को सही बात बताने के लिए कैसा अमल करना है क्या अमल करना है कैसा चलना है कैसा रहना है ये सब बातें बताया रसूलों के ज़रिए से तो हमको मालूम क्या हुआ तो हमको फ़ायदा क्या हासिल हुआ रसूलों पर ईमान लाने से रसूलों पर ईमान लाने से ये फ़ायदा हासिल हुआ कि हम अल्लाह तबारक व ताली की रहमत को जान सके कैसे जान सके हईसु और सलाम और ताला रसूलों को भेजा हमारे ऊपर भेजा लियादू हम इलाशरातिल्ला ताकि लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाए लोगों को सीधी राह की तरफ बुलाए अच्छा बुरा सब बतलाए अल्लाह भेजा अगर अल्लाह रहम करने वाला नहीं होता तो भेजता नहीं भेजता व कई कईफ़्याबून अल्लाह और लोगों को ये मालूम कराने के लिए कि अल्लाह की इबादत कैसे करना है ये मालूम कराने के लिए अल्लाह ताला रसूलों को भेजा अल्लाह की रहमत है ये तो रसूलों के ऊपर ईमान लाने का एक फ़ायदा हमको ये नज़र आता है कि अल्लाह की रहमत अल्लाह की रहमत बंदों पर कितनी है अल्लाह की मोहब्बत लोगों पर कितनी है अल्लाह की इनायत लोगों पर कितनी है ये हमको मालूम हुआ सबसे पहला फ़ायदा दूसरा फ़ायदा शक्रालामा जब हमने ये मालूम किया कि अल्लाह तबारक बता रसूलों को भेजा तो हमारे अंदर दिल के अंदर क्या पैदा हुआ अल्लाह तेरा शुक्र है तू भेजा रसूलों को अगर रसूलों को नहीं भेजता तो हम अच्छा हम अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ को मालूम कर पाते क्या हम बुरी चीज़ से बच पाते अच्छी चीज़ों पर अमल कर पाते क्या हम अल्लाह की इबादत कर पाते हमको जो है जहन्नम जन्नत ये सब मालूम होती नहीं होती अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तू रसूलों को भेजकर हमको मालूम कराया दूसरा फ़ायदा तीसरा फ़ायदा महब्बत रसोलीसलातलाम महब्बत रसोली अलिम्स वसलाम रसूलों की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा होती है रसूलों की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा होती है कैसे कि अल्लाह ताला रसूलों को भेजा तो लिहाजा हम उनसे मोहब्बत करें उनकी ताज़ीम करें उनकी इज़्ज़त करें जब भी उनका नाम आए असलात वाम कहें जब भी नबी का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें ये हमको मालूम हुआ व तज़ीम हम व सना उनकी इज़्ज़त करना हमको समझ में आया क्योंकि वो रसूल है अल्लाह उनको भेजा है हमारे लिए भेजा है लिहाजा उनकी तारीफ़ करना है ये हमको मालूम हुआ हाँ तारीफ़ में गुलू भी नहीं करेंगे उनको खुदा का दर्जा भी नहीं दे देंगे उनके इंतकाल के बाद भी उनको पूजना शुरू नहीं करेंगे पूछना शुरू नहीं करेंगे लिहाजा इज्जत जितनी करनी है शरीयत के लिहाज से कुरान और हदीस के लिहाज से उतनी इज़्ज़त हम करेंगे बात समझ में आ गई तो यहाँ तक रसूलों पर ईमान लाने के बारे में चैप्टर क्लोज़ हो गया अब उसके बाद पाँचवी चीज़ है क़यामत के दिन पर ईमान लाना क़यामत के दिन पर ईमान लाना सबसे पहले यह मालूम करेंगे क़यामत का दिन किसको कहते हैं योम़ियामह कियामह अल्लज़ी आसुल्ला अन्नास ही लसा बी वल जज़ज़ा क़यामत का दिन वो है अल्लज़ी यब अन्नास जिसमें अल्लाह तबारक तआला लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा दोबारा उठाएगा ललहिस वजा हिसाब व किताब के लिए बदला देने के लिए अच्छा है तो अच्छा बदला बुरा है तो बुरा बदला ये देने के लिए जो अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा उसी को क़यामत का दिन कहते हैं उसी को कयामत का दिन कहते हैं और उसका नाम दूसरा नाम क्या है सिया बिलयमिल आखिर उसको योम आखिर भी कहा गया यानि आखिरी दिन योम आखिर आखिरी दिन लियाहू ला यो मदहू इसलिए कि उसके बाद कोई दिन नहीं है इसलिए कि उसके बाद कोई दिन नहीं है उसको योम आखिर कहा गया आखिरी दिन हई सुस्तिर अहलुलजन्नति फ़ी मनाजिलहिम व अहल्न नारिफ़ी मनाजिलहिम उसी दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे ये आखिरी दिन होगा इसीलिए योमुल आखिर कहा जाता है बात समझ में आ गई बात समझ में आई योम क़्याम क़यामत का दिन किसको बोलते योम आखिर किसको बोलते अल्लाह तै फ़रमाता है बिर्र मन वला क्न् नल बमनबिल्हमिल आखिर असल नेकी उस आदमी की नेकी है जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत के दिन पर ईमान लाए लंबी आयत है तो क़यामत के दिन पर ईमान लाना असल नेकी है अल्लाह ताला ये फरमाते हैं एक और जगह क्या फ़रमाते हैं वलिमिनबीमा उनजिला का और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस किताब पर जो आप पर नाजिल की गई वमा मिन क़बली का और आपसे पहले जो किताब नाजिल हुई उन पर वो ईमान लाते हैं वो बिल आख़िरती हम युक्नून और आख़िरत पर वो लोग लो यकीन रखने वाले हैं तो आखिरत पर यकीन रखना ये अहम चीज़ है अगर कोई आदमी ये कहता है मैं पाँच मैं छः चीज़ों में से पाँच पर ईमान ले आऊँगा अल्लाह पर ईमान ले आऊँगा रसूलों पर ईमान ले आऊँगा किताबों पर ईमान ले आऊँगा फरिश्तों पर ईमान ला फरिश्तों पर ईमान ले आऊँगा तकदीर पर ईमान ले आऊँगा लेकिन कयामत का दिन इस पर ईमान लाने का मेरा दिल नहीं करता कैसा अल्लाह तो जमा करेगा सबको लिहाजा मैं ईमान नहीं लाता तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा उसका ईमान मुकम्मल नहीं छः चीज़ों पर ईमान लाना है कयामत के दिन पर जो आदमी ईमान नहीं लाया उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा तो ये पाँचवा रुकन है ईमान के अरकान में से जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है जो आदमी कयामत के दिन को झुटलाता है गोया कि वह आदमी काफिर हो गया अल्लाह ताला फरमाता है जालीन कफ़रु अल युबासू जो काफिर लोग हैं वो ये समझते हैं कि वो दोबारा नहीं उठाए जाएंगे कुल आप कह दीजिए ए नबी बला क्यों नहीं ज़रूर उठाए जाएंगे और रब्बी मेरे रब की कसम लतुबासना तुम ज़रूर उठाए जाओगे दोबारा सुन् लतुनब उन बिमा अमिल तुम फिर जो तुम किए उसके बारे में मुतनबह किए जाओगे बताए जाओगे वजाली का अल्ला यसीर और चीज अल्लाह तबारक वाली के ऊपर आसान है तो अल्लाह ने बताया कि इंसान को दोबारा जरूर जिंदा किया जाएगा कैसे लोग इनकार करते हैं कयामत का हम छोटा सा छोटा काम करते हैं उसका एक मकसद होता है अब समझो यहां पर हम इज्तिमा रखे उसका मकसद है तो हम जब एक छोटे मकसद के बगैर हम कोई काम नहीं करते तो अल्लाह ताला इतनी सारी चीज़ों को इतनी बड़ी कायनात को इतनी बड़ी यूनिवर्स को बग़ैर मकसद के पैदा कर दिया मानने की बात है क्या लोग जो है इसको नहीं समझते अच्छा क़यामत के दिन किसको बल्द मालूम हुआ अब कयामत के दिन के ऊपर ईमान कैसे लाएंगे? कयामत के दिन पर ईमान लाना है तो दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है सबसे पहली बात अल ईमान बिल अईमान वल जज़ा कयामत के दिन पर ईमान हम इस तरह लाएंगे कि हम हिसाब व किताब पर यकीन रखेंगे और बदले के दिन पर यकीन रखेंगे क्या कि अल्लाह तबारक वाली तमाम लोगों को जमा करेगा हिसाब व किताब लेगा हाँ क्या करे क्या नहीं करे कितने नमाज़ पढ़े किस किस पर म किए क्या क्या करे सब अल्लाह तै पूछेगा और उसका बदला देगा अगर अच्छा किया है तो अच्छा बदला देगा ख़राब किया है तो ख़राब बदला देगा ये हमें यकीन रखना क़यामत के दिन पर यकीन रखना का दो तो मतलब हिसाब व किताब लेता अल्लाह ताला बोल को यकीन रखना नंबर दो अल्लाह ताला अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बदला देता बोल को यकीन रखना हई अला अल्लाबादि अल्लाह ताली हिसाब व किताब लेगामाल पर क्या किए कैसा किए कब करे कैसा करे सब अल्लाह तला पूछेगा फयुजाज ही कुल लम्बे अमल ही हर आदमी को उसके अमल के हिसाब से बदला देगा अच्छा है तो अच्छा बदला ख़राब है तो ख़राब बदला अल्लाह हैं इलेना ईयाब हम उन लोगों का आना हमारी तरफ है सुम इ अलैना हिसाब उन लोगों का हिसाब व किताब हम लेंगे हिसाब व किताब हम लेंगे घर में अम्मी दस रुपये दे को भेजती जाओ वो चीज़ लगाओ बोल को फिर वापस आने के बाद पूछती नहीं पूछती कितना हुआ वो कितना बचा पैसा जब दस रुपये के बारे में पूछती अम्मी तो अल्लाह तबारक वाली इतनी बड़ी इतनी बड़ी कायनात को पैदा करा ये सब दिया अल्लाह तला पूछता नहीं पूछता अच्छा दूसरा कैसा ईमान लाना क़यामत के दिन पर अल ईमान बिल जन्नत जन्नत है बोल को ईमान लाना यकीन करना ज़हन्नम है बोल को ईमान लाना जन्नत है और जहन्नम है बोल को ईमान लाना हमें अगर शक है जन्नत है क्या सही में जहन्नम है क्या सही में आपका ईमान मुकम्मल नहीं आप गोया कियामत के दिन पर ईमान नहीं रह सका लिहाज़ा क़यामत के दिन पर ईमान लाना का तो आप जन्नत पर यकीन करना जहन्नम पर यकीन करना और ये यकीन करना कि अन्नहल किन्यातलबदीदी यहाल़ी जन्नत और जहन्नम में इंसान जब दाखिल होगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसी में रहेगा फ़ल जन्नत आदाह अहली तति ये यकीन करना कि जन्त को अल्लाह तबारक व तालों के लिए तैयार किया अलुमिन कौन वो नेक लोग ईमान वाले असदकिना सच्चे ईमान वाले अलमखलसा अखलास के साथ जो लोग ईमान लाए उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक जन्नत को तैयार किया और वन्ना ही और आग को गुनहगारों के लिए तैयार किया कौन से गुनहगार अलकाफरीना काफिर लोग अलमुनाफिका मुनाफिक लोग इन लोगों के लिए अल्लाह तबारक वाली जहन्नम को तैयार किया ये हमें यकीन करना क़यामत के दिन पर ईमान लाना का तो हमें मौत के बाद जो भी होता उस पर भी हमें ईमान लाना उस पर भी हमें ईमान लाना क्या होता मौत के बाद कब्र में जो होता उसके बारे में इंसान यकीन करना अल्लाह ताला जो बोले कि कब्र में ऐसा होता या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले कि कब्र में ऐसा होता उस पर हमें यकीन करना ईमान लाना क्या होता बोले सुवालुल सवालत बाद दफनी इंसान को दफ़न करने के बाद इंसान से फ़रिश्ते आको सवाल करते इंसान से फ़रिश्ते को सवाल करते है, सु यस अन रब्बी ही किसके बारे में सवाल करते उसके रब के बारे में तेरा रब कौन है बोल को सवाल करते वीन ही तेरा दीन क्या है उसके बारे में सवाल करते वह रसूल ही और रसूल के बारे में सवाल करते फमुमिन फ़यूलो रबी अल्लाह जो मोमिन आदमी होगा वो क्या कहेगा मेरा रब अल्लाह तबारक वाली है वह दीनी इस्लाम और मेरा दीन इस्लाम है व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं अमल काफिर रहा वो काफिर फ़ैक़ूलू तो वो कहेगा हा हा अदरी हाय हाय मैं नहीं जानता हमें ये यकीन करना कबर में अल्लाह तबारक वाली सवाल करता मोमिन को भी सवाल करता और काफिर को भी सवाल करता मोमिन जो अच्छा आदमी है जो ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारा अल्लाह की इबादत में गुजारा उन्हें जवाब देता हाओ मेरा रब अल्लाह है मेरा दीन इस्लाम है मेरे नबी मोहम्मद सल्ला वसम है और जो काफिर आदमी है वो हा हाला ददी मैं जानता नहीं मैं जानता नहीं बिल्कुल बोलता दूसरी बात हमें क्या ईमान लाना मौत के बाद क्या चलता बोल को ईमान लाना मौत के बाद क़ब्र में अल्लाह ताला आज़ाब भी देता अल्लाह ताला इनाम भी देता ये हमें यकीन करना ये हमें ईमान लाना ये हमें यकीन करना कि अहले ईमान को ईमान वालों को अल्लाह ताला इनाम देता कब्र में भी इनाम देता क्या युफ फ़ीहा फी मदर उनकी कब्र को अल्लाह ताला कुशादा कर डालता छोड़ा कर डालता दिखने में हालांकि के, रहती, रहती लेकिन ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला कब्र को कुशादा कर डालता ये उनके ऊपर इनाम है अल्लाह तबारक वाली का कुल मिनहुम मनाजिलहुम फिल फिलजन्ना ईमान वाले कब्र में रहते हुए जन्नत में उनकी जो जगह है उसको आराम से देखते रहते अल्लाह ताला उनको दिखाता अल्लाह ताला कब्र ही में उनको दिखाता कि जन्नत में तुम्हारी जगह वो है तुम ना वो नमतें मिलती हैं बल्कि अल्लाह ताला दिखाता वह अमल काफिरूना रहे काफिरून वल मुनाफिक मुनाफिक गालिमुन म करने वाले फय तो उनको उनकी कब्र में आजाब दिया जाएगा वह युजी को उनमें उसमें तंग किया जाएगा उनको उनकी कब्र को तंग कर दिया जाएगा दिखने में वह ताछ है ख़बर दिख ना लेकिन उनके लिए तंग कर दिया जाएगा वह तमला अलिम नारा और उनके ऊपर आग को भर दिया जाएगा वह यिन मंजिला और उस... और काफिरों को मुनाफिकीन को जालिमीन को अल्लाह ताला जहन्नम में जो उनकी जगह है वो दिखा रहा होगा कब्र ही में रहेंगे वो लोग लेकिन जन्नत में जो जगह है वो उनको दिखा रहा होगा अल्लाह ताला तो कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाना का तो हमें मौत के बाद जो दो होती होते कब्र में इन दोनों चीज़ों के ऊपर ईमान लाना अगर हमें कब्र का इनकार करते हैं या कब्र में जो सवालत होते उसका इनकार करते हैं या कब्र में जो इनाम दिया जाता या अजाब दिया जाता उसका इनकार करते हैं मतलब हमें कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं लगाए और जब हमारा ईमान क़यामत के दिन के ऊपर सही नहीं है तो हमारा ईमान भी सही नहीं है समझ में आई बात अच्छा अब कयामत के दिन के ऊपर ईमान ले तो फ़ायदा क्या मिलता हम ना क़्यामत के दिन के ऊपर ईमान ले तो हम ना फ़ायदा क्या मिलता सबसे पहला फ़ायदा जो होता ताह वल फ़ेलता हस हमको शौक़ आता हमको जज्बा पैदा होता कि हमें भी नेक अमाल करना कई को कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका बदला देता ये जब यकीन रहता हम ना क़यामत का दिन है कयामत के दिन अल्लाह ताला अच्छा बदला देता तो हमें क्या करते अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करते जज्बे के साथ करते शौक़ के साथ करते व नदमु अला फुआती है अगर कोई नेकी हमसे छूट गई तो हमको अफसोस होता अरे कयामत के दिन मुझे अच्छा आराम से इसका सवाब मिलने का मैं छोड़ लिया ना बोल को इंसान क्या करता अफ़सोस करता तो पहला फ़ायदा क्या हमको शौक़ हासिल होता कि हम अच्छे अमाल करेंगे नेक अमाल करेंगे नमाज़ें पढ़ेंगे ज़क़़़त देंगे सदका देंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे बल्कि हम क्या? हमारे अंदर जज्बा पैदा होता क़्यामत के दिन के ऊपर ईमान लाए तो दूसरा फ़ायदा क्या होता क्यामत के दिन के ऊपर ईमान लाए तो अर रहमत अर रहबत मनफ़मासिया गुनाह से बचेंगे बोल को इंसान के अंदर शौक़ पैदा होता गुनाह को कर लेने का फिर अल्लाह ताला सज़ा देता ना कई को हमें कर लेना कई को हम ना सज़ा पाना कई को हमें ऐसा गलत काम कर गलत काम कई को करना बल्कि इंसान गुनाहों से बच जाता कयामत का दिन है अल्लाह बदला देता जहन्न में जलाता वो डर पैदा हो को इंसान क्या करता कयामत के दिन पर ईमान लाने की वजह से गुनाहों से बच जाता तीसरा फ़ायदा क्या होता तस्लियन अम्मा या तो मिनत दुनिया मोमिन आदमी को दुनिया में अगर कोई चीज़ नहीं मिली गरीब है मोमिन आदमी नमाज़ें पढ़ता है अच्छे अच्छे काम करता है सदक़ा भी देता है लेकिन गरीब आदमी है बेचारा घर नहीं है तो उसको तसली मिलती चल भाई दुनिया में नहीं मिला तो नहीं मिला आख़िरत में तो मिलता ना आखिरत में जन्नत तैयार है ना दुनिया में उसको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिले अफसोस नहीं होता कई को आखिरत में मुझे मिलता ना क़यामत का दिन है यकीन है ना इसको क़यामत का दिन है अल्लाह ताली बदला देता जन्नत देता जन्नत में मिलता ले यहाँ क्या है बल्कि इंसान क्या करता अपने आप को तसल्ली दे लेता ले फ़ायदा तीसरा फ़ायदा क्या होता आप क़यामत के दिन के ऊपर ईमान ले तो आपको तसल्ली मिलती अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो भी आपको तसल्ली रहती ठीक है बात समझ में आ गई यहाँ तक ईमान कयामत के दिन पर ईमान कैसे लाना चैप्टर यहाँ तक क्लोज अब आखिरी रुकन ईमान के अरकान में से वो ये है कि तकदीर के ऊपर ईमान लाना तकदीर के ऊपर ईमान लाना अच्छा सबसे पहले ये मालूम करेंगे तकदीर के ऊपर ईमान लाना किसको बोलते तकदीर के ऊपर ईमान लाना किसको बोलते तकदीर के ऊपर ईमान लाने का मतलब क्या है Yeah, यानी हमें ये यकीन करना कि अल्लाह तबारक व ताली हर चीज़ को पहले ही लिख दिया है हर चीज़ को अल्लाह ताला पहले ही लिख दिया है अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है कि कौन सा काम कौन से वक्त में कौन सी जगह में होना है ये सब अल्लाह ताला जानता है हर चीज़ अल्लाह ताला को मालूम है ये दुनिया में जो भी होने वाला है ये सब चीज़ अल्लाह तबारक व ताली लिख दिया है वही होगा जो अल्लाह ताला लिख दिया है वही होगा ये हमें ईमान लाते ना इसी को तकदीर के ऊपर ईमान लाना बोलते अच्छा तकदीर के ऊपर ईमान लाना का तो हमें क्या क्या ईमान लाना सबसे पहली बात यह कि हमें ये ईमान लाना कि अल्लाह तबारक वाली हर चीज़ को जानता है हर चीज़ को जानता है चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो हर चीज़ को अल्लाह ताला जानता है हमें यह नहीं समझना इतनी बड़ी दुनिया है दुनिया में एशिया है एशिया में इंडिया है इंडिया में आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिला है प्रकाशम ज़िला में अदनकी है दनकी में ये घर है ये घर में इज्तम चलता है इसमें ये जने को इसे इसे जानते कि अल्लाह तला जानता अल्लाह ताली छोटी से छोटी चीज़ को भी जानता और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी जानता अल्लाह ताली अज़लन व अबदा पहले जो हुआ है उसको भी जानता है अल्लाह ताला और बाद में जो होने वाला है उसको भी जानता है हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला जानने वाला है पहले से अल्लाह ताला जानने वाला है और बाद में भी जानता ही रहेगा वो अज़लन व अबदा फ़क्त मा काना व मा सेकुन पहले जो हुआ वो भी अल्लाह जानता है आइंदा जो होगा वो भी अल्लाह ताला जानता है मा लम यकुन लौका कई फकून जो नहीं हुआ है उसको भी जानता है जो हो गया है उसको भी जानता है कैसे होगा वो भी जानता है अल्लाह तला तो तकदीर तो के ऊपर कैसा ईमान लाना सबसे पहली बात उसमें ये हमें मालूम करना कि अल्लाह तबारक वाल हर चीज को जानने वाला है पहले ही लिख दिया है जानने वाला है अल्लाह तला तकदीर के ऊपर ईमान लाना का तो हमें दूसरी चीज़ जिस पर हमें ईमान लाना वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताली लौ महफूज में हर चीज़ को लिख दिया है अल्लाह ताली लौे महफूज में यानी एक किताब जो महफूज है उसमें अल्लाह ताली हर चीज़ को लिख दिया है अल्लाह खुद फ़रमाते हैं लिख दिया को अलम तालम बल कोलम तम वल अर्द क्या वो लोग नहीं जानते अल्लाह ताली ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सबको जानता है इ नजालफ़फ़ी किताब ये सब ताला अल्लाह ताली की किताब में मौजूद है इ नजाल का यसर यह सब चीज़ें अल्लाह तबारक व ताली के ऊपर आसान हैं नज़ाल फ़ी किताब किताब में है कौन सी किताब वो लौह महफूज में हर चीज़ अल्लाह लिख दिया है हदीस में भी है मुस्लिम की रिवायत है कतब अल्लाह मक़ादर अलखलाइी कबलाखलुसमावल बिखमसीना अलफसना अल्लाह तबारक वाली ज़मीन आसमान को, को पैदा करने से पचास हज़ार साल पहले तकदीर को लिख दिया है कितने साल पहले पचास हज़ार साल पहले अल्लाह तकदीर को लिख दिया है तो जो भी होने वाला है सबको अल्लाह अल्लाह लिख दिया है तो ये दूसरी चीज़ है हमें ईमान लाना तखदीर के ऊपर ईमान लाना का तो लौहे महफूज में अल्लाह ताला हर चीज़ लिख दिया है बोल को हमें ईमान लाना तीसरी बात अ ईमान बजमी अकाइनातक बिमशी कायनात में जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता ये बारिश पड़ना धूप आना ठंड आना गर्मी आना ये सब चीज़ें अल्लाह के हुक्म से ही होते अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होते यहाँ तक कि पत्ता भी गिरता है तो वो अल्लाह के हुक्म से ही गिरता है सबानकानत ममायत अल्ला को बेफली ही और ममायत अल्ला को बेफ अली चाहे अल्लाह तला का काम हो पैदा करना ज़िंदा करना मारना बीमारी देना बीमारी को ख़त्म करना बारिश बरसाना रिज़ देना ये सब अल्लाह ताली के काम अल्लाह ताली के हुक्म से ही होता है और चाहे इंसान के काम हो इंसान वो करता है ये करता है ऐसा करता है वैसा करता है ये सब अल्लाह ताली के ये सब अल्लाह ताला की मशीयत से ही होता है अल्लाह ताला चाह तो छोटा है चाहा नहीं तो नहीं होता चौथी बात हमें क्या ईमान लाना अल ईमान जमी अलकायन लिल्लाह सुबह ये सब की सब ये पूरी कायनात अल्लाह तबारक तआला ही पैदा किया है व अन्हू इल्ला वल्लाहु खालिकुहा ज़मीन व आसमान में ज़र्रा भी है अगर तो उसको भी पैदा करने वाला कौन है अल्लाह तबारक वाली हर चीज़ को पैदा किया अल्लाह ताला। अल्लाह के अलावा किसी ने पैदा नहीं किया व खाल व हरक आती वक्नाती है इन तमाम हरकत को भी अल्लाह तबारक वाली पैदा किया ला खालू अल्लाह के अलावा कोई और ख़ाल नहीं है ला रब सिवा उसके अलावा कोई रब नहीं है अल्लाह ल्ला खुद फरमाते हैं अल्लाह खालकई अल्लाह तला हर चीज को पैदा करने वाला है वह कुल कुल्लिन वकील और वो हर चीज पर निगरान है तो चौथी बात हमें ईमान कहलाना कि अल्लाह तबारक वाल हर चीज को पैदा किया है अच्छा तकदीर पर ईमान ले तो फायदा क्या होता तकदीर पर ईमान ले तो फायदा ये होता कि अल्लाह तबारक वाली के ऊपर हम ना भरोसा पैदा होता हमें कौन सा भी सबब अपनाओ सबब अपनाने के बाद हमें क्या करते हैं अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह तू चाहे तो ना होने का ये काम मेरा मुकम्मल फरमा हमें अल्लाह पर भरोसा रखते बेहसू ला एतम अब्दू अलसवि नफसी ही सिर्फ़ सबब पर भरोसा नहीं करता दवा खाते हैं हमें क्या बोलते हैं अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कई को यानी हमें ये बोलते हैं कि ये दवा शिफा देने वाली नहीं है बल्कि शिफा देने वाला कौन अल्लाह तबारक वाली ये तो हमें खाते है ज़रिया है ये सबब है ये दूसरा फ़ायदा क्या होता हम ना तकदीर पर ईमान लाए तो युजु तमन्ना हो और इंसान अगर कोई ख्वाहिश किया कि वो हासिल हो वो मिले वो मिले वो मिले अगर वो चीज़ मिल जाए हासिल हो जाए तो फिर अपने आप से वो वो इतराता नहीं वो तकबर नहीं करता फखर नहीं करता कई को ये देने वाला अल्लाह तबारक वाली है ये मेरी चीज नहीं है तो मैं कई को इतराना मैं अपने आप पर तकबर कई को करना मेरी चीज थोड़ी ना है अल्लाह तला दिया है ये चीज़ अल्लाह तला की मशीयत से हुआ है अल्लाह तबारक वाली दिया तो मुझे मिला है तो मैं कई को अपने आप पर इतराना मैं कई को अपने आप पर खुश होना तकबर करना घमंड करना अल्लाह छीन भी लेता ना तो इंसान तकदीर पर भरोसा करे तो इंसान के अंदर तकबर पैदा नहीं होता अपने आप पर वो इतराता नहीं फखर नहीं करता कहीं को अल्लाह तला दिया है। तवाजु इख्तियार करता है इंसान झुक को रहता कितना भी। तीसरी बात तीसरा फायदा क्या होता तकदीर पर ईमान ले तो व राहत नफसिया इंसान को राहत मिलती इतमान रहता हाँ चल भाई अल्लाह तोबारक को तला देने वाला है हुआ हुआ, हुआ आ, जो हुआ चलो भाई ये काम करने गए काम नहीं हुआ क्या चलो कोई बात नहीं कई को अल्लाह तला चाहे तो छोता तो फिर कहीं को मैं टेंशन लेना और एक बार करेंगे इम्तिहान में फेल हुआ ठीक है और एक बार पास हो जाएंगे वो काम नहीं हुआ ठीक है और एक बार ले लेंगे तो इंसान सुसाइड की तरफ नहीं जाता मरने की तरफ नहीं जाता कई को सुसाइड कर लेते हैं आजकल लोग हाँ नहीं हुआ काम बल्क मर जाते हैं वो अगर वो अतमाद रखा अगर वो तकदीर के ऊपर ईमान लाया तो सुसाइड करता नहीं जल्दी कहीं को नहीं हुआ तो नहीं हुआ फिर दोबारा कर लेंगे ले क्या हुआ इंसान सोचता तो तकदीर के ऊपर ईमान लाने से फ़ायदा ये होता कि इंसान को राहत मिलती इतमान मिलता कि आज नहीं मिला तो नहीं मिला कल तो मिलता इन शलको इंसान को वो एक भरोसा रहता वो एक इतमान रहता बात समझ में ही तो ये है छः चीज़ें अल्लाह पर ईमान लाना रसूलों पर ईमान लाना फ़रिश्तों पर ईमान लाना किताबों पर ईमान लाना कयामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना ये छः चीज़ों पर हमें अच्छा ईमान लाए तो हमारा ईमान मुकम्मल होता वरना हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता